हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा कर रहा हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और एकदम अपने घर पर स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम एक प्लेलिस्ट पर वर्क कर रहे थे बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर की मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो देखिए बेटा, अभी लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट को मैंने वो सीरीज दी थी, तो बच्चों के 75 आउट ऑफ 75 नंबर भी आए हैं और फुल मार्क्स आपको पेपर में देखने के लिए कई बच्चों के मिले थे। अगर आपने देखा भी होगा, लाइव क्लासेस में मैंने आकर क्वेश्चन पेपर भी दिखाया था और पूरी आपने सीरीज देखी भी थी। तो कुल मिलाकर बेटा मैंने 22 वहां पर वीडियो दी थी, 22 के करीब मैंने वीडियोज डाली थी, फिर लाइव क्लास वगैरह भी ली थी और लाइव आके आपको संबोधित भी किया था। तो बेटा, जो बच्चे इस साल बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के मैथमेटिक्स का पेपर देने वाले हैं, तो देखो दोबारा से एक बार मैं 5-7 वीडियो और लेकर आऊँगा और वो उन वीडियो में क्या होगा, जो 2023 में, जो लास्ट ईयर में जो आपके क्वेश्चंस आए थे हर यूनिवर्सिटी के, वो इन वीडियोस में मैं लूंगा। तो सभी यूनिवर्सिटी के बच्चे सबसे पहले तो इन वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। उन 22 पार्ट को देखना भी उतना ही ज़रूरी है याद रखना, और ये 23वां पार्ट है। और देखो, ये वही क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है जो अभी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा भी गया था और ये मैंने करवाया भी था। एक बार देख लेना, अगर किसी बच्चे को नज़र में ना हो तो एक बार दोबारा से जरूर देख लेना, ठीक है। तो एक बार रिकंटिन्यू 5-7 वीडियो मैं और लेकर आऊँगा और किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट, ये देखिए कई साल के लिए मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी जो कि बिल्कुल फ्री है और हर सेमेस्टर में मैं मैथ्स की तैयारी करा रहा हूँ। तो एक बार जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में अब वाले सेशन में जो आए हैं, उनके लिए वीडियोस काफ़ी साबित बढ़िया साबित होने वाली हैं। फुल प्लेलिस्ट देखना, काफ़ी आपको मजा आएगा और आपके फुल आउट ऑफ फुल नंबर भी आ सकते हैं। कोई भी दिक्कत परेशानी कुछ भी हो आप पूछ सकते हैं और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की भी मैंने वीडियो डाली हुई है, सारी चीज़ें आप जाकर देख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, शुरू से लास्ट तक जुड़े रहना, बिना स्किप कर हुए वीडियो को देखना। बेटा फ्री में है, कोई पेड कोर्स नहीं है, बिल्कुल फ्री में आपके लिए सारी चीजें हैं। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर आ जाए तो आप मेरे से बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, 23 पार्ट है और बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन में बोला गया, क्वेश्चन एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। इफ वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, देन प्रूव दैट 1 - x² y2 - x (y1) और -2 = 0। ऐसा क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम भी लिया था और ये भी प्रीवियस ईयर में ही पूछा हुआ है, क्योंकि काफी सारे बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाओ। तो देखो, जितने भी सारे पार्ट है ना आपके, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 22 और ये पार्ट 23 भी, बेटा इसमें सारे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन पेपर है। एक टिप्स और ट्रिक्स की भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से आपको पेपर हिट करके आना है, अगर आपका पेपर आता है मैथ्स का तो किस तरीके से हिट करके आना है और किस तरीके से आप अच्छे नंबर अचीव कर सकते हैं। उस वीडियो का आप वेट करें, बहुत अच्छी वीडियो होगी, बहुत अच्छे से आप लोग देख लेना, ठीक है, चैनल पर जाके। एग्जाम से पहले पहले सारी चीज़ें हो जाएंगी, 5 से 7 वीडियो मैं आपको दूंगा और कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी व्हाट्सअप चैनल से जरूर जुड़ जाना बच्चों, क्योंकि व्हाट्सअप चैनल से पर मैं बहुत सारे अपडेट देता रहता हूँ छोटे मोटे, जो मैं यहाँ पर आकर नहीं दे पाता हूँ, ठीक है। तो व्हाट्सअप चैनल से जरूर, सोशल मीडिया की सभी चीज़ों की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जरूर जुड़िए। तो ये बेटा पहला क्वेश्चन है आज का, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बहुत आसान है, डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में आया था। तो गिवन क्या है बेटा मेरे को, वाई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लो इसे, ठीक है। प्रूव मेरे को ये करना है जो लिखा हुआ है, ठीक है, बड़े आराम से प्रूव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले देखो, y2 का मीनिंग क्या है, 2 टाइम डेरिवेटिव, y1 का मीनिंग क्या है आपका, 1 टाइम डेरिवेटिव। और करके देखो, ऐसा भी आ सकता है पेपर में कि 1 - x² और ये d2y / dx2 और -x और ये dy / dx और -2 = 0, क्योंकि बेटा देखो y2 कहीं दिख रहा है तो इसका मीनिंग 2 टाइम डेरिवेटिव और y1 कहीं दिख रहा है तो इसका मीनिंग 1 टाइम डेरिवेटिव। आ रही है बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है जी। तो अब हम इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो dy / dx लिख देना, डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 2 ऑफ साइन इनवर्स x, एंड साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 / √1 - x². क्लियर है वाली बात, किसी को दिक्कत होगी नहीं बिल्कुल भी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है जी। इसके बाद देखिएगा बेटा, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर लो, √1 - x² = 2 dy / dx और = 2 ऑफ साइन इनवर्स x, क्लियर है। इधर इसकी मल्टीप्लाई हो गई और ये यहां पर आ गया, ठीक है।
योगी इक्वेशन नंबर सेकंड, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लिख देना यहां, लिख ही देता हूं, चलो मैं अगेन डिफरेंशिएटिंग सेकंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो देखो बेटा ये दो फंक्शन इनटू में है, तो यहाँ इनटू का कंसेप्ट लगा दोगे, ऐसे लिख दोगे सेम एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डी वाई अपॉन डी एक्स करोगे तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, एक बार ये आ गया, प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स को ऐसी रखा और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करोगे तो बेटा क्या आ जाएगा, 1 अपॉन टू ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट एक्स का क्या होता है 1 अपॉन टू ऑफ अंडर रूट एक्स, ये होता है, तो ये आ गया, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करोगे तो माइनस का 2x आ गया। क्लियर है, अब इस वाली साइड का तो हो गया, अब देखो इधर का करते हैं, ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन साइन इनवर्स एक्स का हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका निकल के आ जाएगा। बेटा किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो जरूर पूछा करो, क्योंकि देखो वीडियोज वगैरह आप लोगों के लिए ही बनाई जा रही हैं, बिल्कुल फ्री, इसी वजह से बना रहा हूँ, क्योंकि देखो उन बच्चों तक ये वीडियो पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो बच्चे बेचारे एक तरीके से अपनी बड़ी बड़ी फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, कोचिंग के जो बड़े बड़े चार्जेस होते हैं या जो एक्स्ट्रा क्लासेस के बड़े बड़े चार्जेस होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों के लिए वीडियो ज़रूर है ये। देखो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि अरे सर हमें तो पास ही होना है ये वो, देखो बेटा नंबर बहुत मायने रखते हैं आपके, ये बात ध्यान रखना, तो थोड़ी थोड़ी सी मेहनत करोगे तो बहुत कुछ अच्छा अचीव कर जाओगे, ये मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, ठीक है। और देखो लास्ट टाइम भी बच्चों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया, मुझे अच्छा भी लगा, बहुत सारे बच्चों ने बहुत अप्रिशिएट किया, और जिन बच्चों के 75 out of 75 नंबर आए हैं मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि हाँ भाई मेरी वजह से किसी की थोड़ी सी भी हेल्प हो पाई, और बाकी देखो आप लोगों से एक छोटे से सपोर्ट की उम्मीद रखता हूँ कि हाँ अगर मैं वीडियोज़ वगैरह बना रहा हूँ तो आप थोड़ा सा सपोर्ट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह जरूर करें, ठीक है, अच्छा लगे जरूर करें, अगर ना अच्छा लगे तो बिल्कुल मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा इसके बाद देखो ध्यान दीजिएगा, ये इसकी मल्टीप्लाई फिर मैं इधर कर सकता हूँ, इस पूरे में मल्टीप्लाई करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, पहले इसे यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, एक स्मार्ट वे में यहाँ मैं लिख रहा हूँ इसे, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो बेटा क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट से अंडर रूट की मल्टीप्लाई करोगे तो वो हट जाएगा, ठीक है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और इनटू में क्या दे रखा है डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। फिर बेटा इसकी मल्टीप्लाई अगर यहाँ करते हो तो देखो यहाँ करने पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में, अगर यहाँ मल्टीप्लाई क्योंकि ऊपर आ जाएगा ये तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों क्या बचेगा, देखो मैं यहाँ करके ही दिखा देता हूँ और इनटू करके ही दिखा दूंगा, कभी आप गलत कर दो, डी वाई अपॉन डी एक्स एक स्टेप और लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये क्या बचेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी और इनटू में माइनस का एक्स भी दे रखा है, और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इज इक्वल्स टू में 2 दिया हुआ ये, ठीक है जी। तो बेटा इससे ये कैंसिल आउट हो गया, और देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, और ये प्लस माइनस माइनस, और ये एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये प्लस का 2 इधर उठ के हो गया माइनस का 2, और इज इक्वल्स टू 0, और आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो देखो इतना सा क्वेश्चन और ये लॉन्ग में आया था, अभी पेपर में ये लॉन्ग में आया था, अब देखो इतना आसान सा क्वेश्चन, ये देखिए 8-9 लाइन का क्वेश्चन एक लॉन्ग में आया था, और जिन बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो यार फटाफट लाइक कर दो, है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, देख लो, कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत परेशानी हो जरूर पूछो। अब दोबारा से हम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए कंटिन्यू, सारे सेमेस्टर के लिए इसी तरीके से चीजें कंटिन्यू करेंगे, टेंशन ना लो, हर सेमेस्टर में आपको फ्री बिल्कुल सारी चीजें करवाई जाएंगी, ठीक है। तो बेटा ये फर्स्ट क्वेश्चन था, आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छा लगा होगा, और CCS यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के जो स्टूडेंट्स हैं तो उनके पेपर में ये आया ही था, आप देख सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, ठीक है। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा बेटा, आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। बेटा ये भी पेपर में आया था और ये मैंने करवाया भी था, आप पूरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और एक बार और फिर मैं इसे करा रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस बार भी आने की पूरी एक्सपेक्टेशन है, पूरी एक्सपेक्टेशन है इस बार भी आने की, ये ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी लॉन्ग में आया था, किस में आया था,
लॉन्ग में आया था, इसका पूरा कंसेप्ट बता रहा हूँ। अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आए तो इस तरीके से हिट करके आपको आना है। जो आपको गिवन है, गिवन फंक्शन है, वो आपके सामने है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स, ठीक है जी। तो मोड ऑफ एक्स आपको गिवन है, ये कह रहा है x इज इक्वल्स टू जीरो पर मेरे को कंटिन्यूअस दिखाना है। बेटा कोई भी फंक्शन हमारा कब कंटिन्यूअस होता है? कोई भी फंक्शन हमारा जब कंटिन्यूअस होता है जब उसमें LHL, RHL और फंक्शन वैल्यू तीनों क्या हो, सेम हो, इक्वल हो, तो क्या कहलाएगा वो फंक्शन? कंटिन्यूअस कहलाएगा। आ रही है बात समझ में? अगर तीनों में से कोई भी सेम नहीं है तो वो कंटिन्यूअस नहीं कहलाएगा, तो वो फंक्शन कैसा कहलाएगा? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। अब देखो करने का तरीका क्या होता है, या LHL और RHL या फंक्शन वैल्यू होती क्या है वो जान लेते हैं। मैंने पहले भी देखो इस पर एक बहुत पूरी प्योर तरीके से वीडियोस बना रखे हैं लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पर, तो आप आराम से उन्हें भी देख सकते हैं डिटेल में अगर सारी चीज जानना चाहते हो। बट हाँ, इस क्वेश्चन को अगर हिट करना है तो देखो मैं फॉर्मूले वगैरह आपको बता देता हूँ और उसके द्वारा आप कर सकते हैं। तो बेटा तीन चीज मैंने बोली है यहाँ पर, एक तो एफ एक्स, एक LHL और एक RHL। अगर ये तीनों मेरे इक्वल हैं, सेम है, तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। सी टी एस, कंटिन्यूअस को मैं किससे दिखा रहा हूँ? सी टी एस से दिखा रहा हूँ। ओके है, बिल्कुल ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है। LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL मतलब राइट हैंड लिमिट, ठीक है। अब देखो LHL और RHL निकलते कैसे, इससे पहले फंक्शन वैल्यू जान लेते हैं। देखो फंक्शन वैल्यू लाई करता है इस नंबर पर जो आपको नंबर गिवन है, जिस पर हमें चेक करना है। तो किस पर बोल रहा है? एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पर। तो एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, पहला पॉइंट, एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, एक्स बराबर जीरो पर एफ एक्स का मान। इट मीन्स क्या है, जहां पर एक्स है बस आपको जीरो पुट कर देना है। तो यहां जीरो पुट कर दिया, मोड ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब बेटा पहले मोड का मीनिंग और जानते हैं। ये जो मोड में एक्स दिया गया है इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है कि अगर कोई भी नेगेटिव वैल्यू आएगी तो उस नेगेटिव वैल्यू को क्या कर देगा? ये पॉजिटिव कर देगा। क्या कर देगा? पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। ठीक है जी, तो अब देखो अब निकालते हैं हम LHL। तो LHL एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, तो फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट एक्स टेंड्स जीरो माइनस एफ एक्स, एक्चुअल में ए होता है। अब ए क्या होता है? ए वो नंबर होता है जिस पर हमें चेक करनी है, ठीक है। तो जीरो माइनस एफ एक्स एंड लिमिट एस टेंड जीरो, ए माइनस एच होता है, तो यहाँ जीरो माइनस एच, क्योंकि नंबर हमारा क्या है? जीरो, जीरो पर हम चेक कर रहे हैं। अगर यहाँ पर हमारा वन होता तो यहाँ क्या करते हैं? वन माइनस एच, ठीक है। तो यहाँ जीरो, तो जीरो माइनस एच। अब हम इसे लिख सकते हैं लिमिट ऑफ एस टेंड जीरो एफ ऑफ माइनस एच, ठीक है, क्योंकि जीरो में से एच जाएगा तो भाई माइनस का एच ही बच जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, लिमिट ऑफ एस टेंड जीरो माइनस का एच है, यहाँ पर फंक्शन में रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा? मोड में माइनस एच। अब ये नेगेटिव वैल्यू को क्या कर देगा? पॉजिटिव कर देगा। एंड पॉजिटिव ऑफ एच, देखो यहाँ लिमिट एस टेंड जीरो एंड एच इज इक्वल्स टू जीरो। तो बेटा LHL क्या आ गई आपकी? जीरो आ गई। LHL भी क्या आ गई आपकी? जीरो आ गई, ठीक है। अब निकालते हैं हम RHL। तो RHL एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, लिमिट एक्स टेंड जीरो प्लस एफ एक्स। बेटा LHL में तो माइनस आता है, देखो ये लेफ्ट हुआ ये राइट हुआ, ठीक है। तो LHL में नेगेटिव एंड RHL में आता है पॉजिटिव, ठीक है। तो लिमिट एस टेंड जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच, जैसे वहां होता था ए माइनस एच या जीरो माइनस एच, तो यहां पर सिमिलरिटी ए प्लस एच या जीरो प्लस एच। आ रही है बात समझ में? ठीक है। अब ये लिमिट एस टेंड जीरो एफ ऑफ एच एंड लिमिट एस टेंड जीरो, ये एफ एच दे दिया। क्या दे दिया आपको? एफ एच दे दिया। यहां तो मोड का कोई लगाना ही नहीं है मेरे को, तो यहां पर एच पुट कर देना है बस। तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव ऑफ एच एंड इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि एच यहाँ पुट करोगे जीरो आ जाएगा। तो बेटा देखो यहाँ देख सकते हो आप, फंक्शन वैल्यू भी जीरो आई है, LHL भी जीरो है एंड RHL भी आपका जीरो आया है। तो आप बोल सकते हो कि तीनों चीज मेरी क्या है? इक्वल है, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है। फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, लिख देना एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। बेटा बताओ ये क्वेश्चन भी लॉन्ग में आया, ये क्वेश्चन भी लॉन्ग में आया था। मजा आ रहा होगा आपको सभी को, जिन बच्चों को आता है तो उनको थोड़ी सी बोरिंग वाली क्लास भी लग रही होगी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपके पेपर में आए थे, लास्ट टाइम पेपर बहुत इजी था। आप दिक्कत मत मानना, जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में जिन्होंने एक भी दिन मैथ ना पढ़ी हो
वो इन पार्ट्स को देख लेना, इनका बार बार रिवीजन कर लेना, इनकी कॉपी बना लेना, और एक भी क्वेश्चन अगर निकल जाए तो आप मेरे से बोल देना। आ रही है बात समझ में? तो बस बेटा देखो, ये छोटा सा पार्ट मैंने 23 इसी वजह से आपको दिया है कि एक बार रिकंटिन्यू कर रहे हैं, उन सभी पार्ट को देख लो, और जो 5-7 पार्ट मैं अब दूंगा इन पार्ट को देख लेना। बीच में एक दो बार मैं लाइव भी आऊंगा जरूर आप लोगों को संबोधित करने, अच्छे से समझाने की किस तरीके से पेपर लिखना है, किस तरीके से आपको करके आना है। और जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स आ जाएं तो मेरे को ज़रूर बताइएगा, और जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स ना आए तो भी बताइएगा, उनकी भी मैं हेल्प करूंगा। बस बेटा देखो, अपनी शिद्दत से अपनी तैयारी करना बहुत अच्छे तरीके से, और अपने आप को कभी धोखा मत देना भाई। अगर मैं 23-24 या अगर मान लो इसके 30 पार्ट तक मैं डालता हूँ तो उन सभी पार्ट को जरूर देख लेना, स्किप करके मत देखना। देखो कोई भी पार्ट की जो लेंथ होगी 20-25 मिनट से तो किसी की भी ज़्यादा होगी नहीं, बिल्कुल आप देख लेना। तो एक पूरे दिन में 20-25 मिनट निकालना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 24 घंटे में से 20-25 मिनट अगर आप निकाल लोगे तो ये देख लो, मैं यहाँ गारंटी ले रहा हूँ आप लोगों से कि अगर आप फेल हो गए, आपके कम नंबर आ गए, तो मेरी जिम्मेदारी रहेगी उन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करके जाना जो इन पार्ट्स में मैं करा रहा हूँ, ठीक है। बस यही उम्मीद रखूंगा कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, सारी फुल प्लेलिस्ट में आपको मज़ा आ रहा होगा। मज़ा आ रहा है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें, और बहुत दूर तक पहुंचाएं। जिन जिन बच्चों को इनकी ज़रूरत है सभी को पहुंचा दीजिए, और किसी बच्चे को अगर ऑफलाइन कोचिंग वगैरह भी पढ़ना हो जो गाजियाबाद वगैरह में रहते हों या दिल्ली NCR में रहते हों और आने में पॉसिबल हों, सक्षम हों, तो आकर मेरे से मिल सकते हैं। अगर आपको पेड क्लास लेने, क्योंकि देखो भाई ऐसा होता है आगे बढ़ने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, और ऑफलाइन तो फिर मैं आपको पैसे उसे ही पढ़ा पाऊंगा, ठीक है। और वाकई में अगर किसी बच्चे की बेकार परिस्थिति है तो भाई उसे बिना पैसों के भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे की भी इच्छा हो मेरे कोचिंग पर आकर पढ़ने की, तो एक छोटा सा कोचिंग बनाया हुआ है, तो आप लोग आके पढ़ सकते हैं, छोटा सा विद्या का मंदिर है। आप सभी लोगों का सहयोग रहेगा, सपोर्ट रहेगा, तो आगे चल के बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी करेंगे। बस आप लोग इस तरीके से अपना प्यार सपोर्ट बना के रखें। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, कमेंट करें, कोई भी कुछ भी क्वेश्चन होता है तो पूछ लें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन को प्रेस करें, नेक्स्ट पार्ट का आप वेट कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।